हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है x पावर 6 दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपको x की वैल्यू फाइंड कर दी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स यहां पर है x पावर 6 दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर में, तो दोनों तरफ मैंने स्टूडेंट्स पावर 6 कर लिया, इधर भी पावर 6 गया, इधर भी पावर 6 गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, ए पावर एम ब्रैकेट पावर एन दिस इज इक्वल टू ए पावर एम इंटू एन, कि पावर के पावर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स एक्स, ये एक्स पावर 6 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आएगा 6x पावर 6 दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्टूडेंट्स इसको मैं आगे ऐसे लिख रहा हूँ x पावर 6 इंटू x पावर 6 दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस 6 को स्टूडेंट्स मैं ब्रेक कर रहा हूँ 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर स्टूडेंट्स? और यहां पर मैं एक प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ ए पावर एम इंटू एन दिस इज इक्वल टू ए पावर एम ब्रैकेट पावर एन, कि ए पावर एम और ये जो एन है मल्टीप्लीकेशन में ये पावर में चला जाएगा, ए पावर एम ब्रैकेट पावर एन। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए मैं इस वाली चीज को कैसे लिख सकता हूँ, ये ए पावर एम इंटू एन है तो ए पावर एम हो जाएगा, यानी कि एक्स पावर 6 और फिर क्या आ जाएगा ब्रैकेट एक्स पावर 6 दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 3। और जो ये वाली क्वांटिटी है जो n है स्टूडेंट्स, ये तो m है, ये n है, ये n पूरे की पावर क्या हो जाएगा, पूरे की पावर में चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्टूडेंट्स अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 3 है, तो इसको देखिए स्टूडेंट्स हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। हमारे पास आएगा x पावर 6 ब्रैकेट x पावर 6 दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और उसकी पावर 3 है, तो मैं इसको स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छे देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ ए पावर ए दिस इज इक्वल टू बी पावर बी देन ए इज इक्वल टू बी, कि अगर ए की पावर ए बराबर बी की पावर बी है तो हम ए बराबर बी होगा। तो देखिए यहां पर x पावर 6 दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर है, तो ए पावर ए बराबर बी पावर बी, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एक्स पावर सिक्स दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको आगे मैं सॉल्व करूं, x पावर 6 दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूं 2 पावर 1 बाय 2 और यहां आ जाएगा इनटू, और इसकी पावर मैंने मान ली 1। तो अब आप ये वाली बेस एंड एक्सपोनेंट की वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ए पावर एम इंटू ए पावर एन दिस इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन, कि सेम बेस होता है और मल्टीप्लाई का साइन होता है तो जो स्टूडेंट्स पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो यहां पर 1 में जब 1 बाय 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा x पावर 6 दिस इज इक्वल टू 2 पावर 3 बाय 2। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ पावर 1/6 ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर भी मैंने पावर 1/6 ले लिया और यहां पर भी मैंने पावर 1/6 ले लिया, और प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ ए पावर m ब्रैकेट पावर n दिस इज इक्वल टू ए पावर m इंटू n, कि पावर के पावर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 6 को जब मैं 1/6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा x दिस इज इक्वल टू 3/2 को जब मैं स्टूडेंट्स 1/6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आएगा 3 1 3 3 2 6, तो ये आएगा 1/4, तो 2 पावर 1/4। तो हमारे पास स्टूडेंट्स x की जो वैल्यू आ जाएगी 2 पावर 1/4 आ जाएगी। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।